Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 7 of your 5th EVS book, which is experiments with water. So इस वीडियो में हम इस चैप्टर के डिफाइंस को स्टडी करेंगे. जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सबसे फर्स्ट डिफाइन है वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड वॉल्यूम. कोई भी चीज़ जितना भी स्पेस लेती है और जितना भी स्पेस अपने अंदर उसका होता है तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड स्टेट चेंजिंग टू अ गैसियस स्टेट ड्यू टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. इवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, तो वो प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने स्टोव पर पानी गर्म करने के लिए रखा, तो जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में है, तो जब उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो उसमें से भाप निकलती है, तो वो गैसियस स्टेट में चेंज होने लगता है, तो यही प्रोसेस जो है इवेपोरेशन कहलाता है. द थर्ड वन इज सॉल्युबल सब्सटेंस. सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर और लिक्विड आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस. सॉल्युबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में या दूसरे लिक्विड्स में अच्छे से घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, वो सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं. जैसे कि जब हम सॉल्ट को पानी में घोलने की ट्राई करते हैं तो जो सॉल्ट है वो अच्छी तरीके से पानी में घुल जाता है, तो मीन्स सॉल्ट जो है वो एक सॉल्युबल सब्सटेंस है. द फोर्थ वन इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस. सो इनसॉल्युबल क्या होगा? जैसे कि सॉल्युबल का ही ऑपोजिट होता है इनसॉल्युबल जो वर्ड है, तो अगर सॉल्युबल सब्सटेंस पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो सकते हैं तो इनसॉल्युबल पानी में अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन है सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर और लिक्विड आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस. वो सब्सटेंस जो पानी में अच्छी तरीके से नहीं डिजॉल्व होते वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड. अगर आप पानी में किसी वुड को डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे या घोलने की कोशिश करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, उसमें घुलेगा ही नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा. तो वुड कैसा सब्सटेंस हो गया? इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो गया. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट वन सॉल्युबल सब्सटेंस. एक सॉल्युबल सब्सटेंस का नेम लिखना है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉल्ट है, शुगर भी सॉल्युबल सब्सटेंस है और सॉल्ट भी सॉल्युबल सब्सटेंस है. सेकेंड वन इज राइट वन इनसॉल्युबल सब्सटेंस. एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का नेम बताइए. तो आंसर क्या है? वुड. वुड एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है. द थर्ड वन इज राइट वन थिंग दैट फ्लोट्स ऑन वाटर. एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी. बलून्स. जैसे कि आपको पता ही है जो बलून्स है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, वो अंदर डूबेंगे नहीं. द फोर्थ वन इज राइट वन थिंग दैट सिंक इन वाटर. एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो पानी के अंदर डालते ही डूब जाएगी. आंसर इज स्टोन. स्टोन जैसे आपको पता ही है पानी में डालते ही वो डूब जाते हैं, वो फ्लोट नहीं करते हैं. द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ द शुगर गेट डिजोल्व क्विकली इन वाटर. किस तरीके से शुगर को पानी के अंदर बहुत जल्दी से डिजोल्व कराया जा सकता है? बाय हीटिंग, उसको गर्म करके. पानी में अगर शुगर डाली है तो एक तो आप हाथ से ही स्टर कर सकते हैं, उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी से डिजॉल्व हो जाए तो इसके लिए हम उसको गर्म करते हैं, तो जिसकी वजह से जो शुगर होती है पानी में बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी डिजॉल्व हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपको इस चैप्टर के डिफाइन और वन वर्ड आंसर्स समझ में आए होंगे और आप इनको अच्छे से पढ़ भी पाएंगे. थैंक यू सो मच.